ਇਹ ਗੁੱਚੀਰ ਮਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨੀ ਆਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੰਦ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਪਜਾਮਾ 350 ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲੈਗ ਨੀ ਚੁੱਕੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਤੇ हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओपी गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 जो कि इन भैया की है और ये भैया के थ्रू आई हुई है। तो अभी इसका रिव्यू करते हैं और भैया से कुछ पूछते हैं इसके बारे में कैसी उनकी रिव्यूज़ हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद एंड में आपको इनके रिव्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। एक ग्रे कलर की है, बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसके टायर से। तो टायर साइज़ है 19-19-19 का और जो डिस्क साइज़ है 280 mm का है और डुअल चैनल ABS मिलते हैं इसमें। और रेयर टायर जो आपको मिलता है वो क्या है, 110-90-18। और जो डिस्क आपको दिख रहा है यहाँ पे वो 240 mm का डिस्क है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ डुअल चैनल ABS है इसमें। और काफ़ी लोग इसके एग्जॉस्ट चेंज करा लेते हैं लेकिन नॉर्मल एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इंजन पे आते हैं इसके, इंजन बनाता है इसका 19.8 BHP और 28 NM का टॉर्क बनाता है। 349 cc का इंजन है इसमें और एयर कूल्ड इंजन है, 2 valve सिंगल सिलेंडर। तो एक ही एग्जॉस्ट देख सकते हैं आप, वो तो अभी जावा कर रहा है आजकल कि एक ही सिलेंडर में दो एग्जॉस्ट दे रहा है। और रॉयल इनफील्ड की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, भैया महाकाल के भक्त हैं इसलिए यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। ये अपग्रेडेशन है यहाँ पे, इसमें चाबी अभी भैया ने वो मेटल की करवा रखी है उसकी, गन जैसी। तो मेड लाइक गन गोज लाइक बुलेट, तो वही वाला हाल है यहाँ पे। और जो इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं ये LED नहीं है, ये बल्ब वाले इंडिकेटर्स हैं। और ये जो फ्रंट में आपको लाइट दिख रही है वो हैलोजन बल्ब है। और जो रेयर में आपको टेल लाइट्स दिखती हैं वो एक्चुअली में बल्ब वाली हैं। अभी भी रॉयल एनफील्ड इसमें LEDs नहीं दे रहा है। नंबर प्लेट देख सकते हैं आप, ऐसा आता है, भैया का भी नंबर नहीं पड़ा क्योंकि ज़्यादा गाड़ी चली नहीं है और कोई एक्स्ट्रा मतलब अच्छा नंबर आ रहा है। और सीट कवर जो आप देख रहे हैं वो भैया ने मॉडिफिकेशन कराया भैया। चलो भैया से कुछ पूछते हैं। तो भैया सीट कवर इधर से आते हैं, अब तो लाइट अच्छी आएगी ना। तो सीट कवर आपने कहाँ से लगवाया पहले? तो जो है मैंने सहानी ऑटोमोबाइल से लगवाया है जो कि लालबाग में हमारे लखनऊ में ही है जी। उसके यहाँ से मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशंस कराए हैं, जैसे कि मैंने चेसिस इंजन गार्ड लगवाया है जी, लेग गार्ड लगवाए हैं, सीट कवर्स लगाए हैं। और ये बैक एक बार दिखा दीजिए भैया, क्या क्या लगवाया आपने, सबको पता चलना चाहिए। ये हमारा जो है ये इंजन गार्ड है, ये क्लासिक का ही इंजन गार्ड है जी। और ये हमने लेग गार्ड लगवाया है, इसमें रोप जो है लगी हुई आती है, विदाउट रोप भी आप ले सकते हैं। इसमें दो आते हैं, जैसे इसमें आपका एक तो क्रोम पॉलिश पे आएगा, एक आपका ब्लैक के साथ आएगा जिसमें रोप लगा हुआ है जी। बाकी कुछ मैंने अपडेट नहीं कराया, बाकी ये स्टिकर्स लगवाए और ये की चेंज कराई है, इसकी की जो है ये मैंने चेंज कराया है। एक मिनट भैया फोकस कर दीजिए, हाँ कीज दिख रही है, तो आप कीज देख सकते हैं। तो कितने की पड़ी भी आपको कीज पहले? तो की जो है ये मेरे को 250 के अराउंड पड़ी है, 250। और मोस्टली मेरे को 5 मिनट्स लगे थे कि मशीन से वो बना के दे देते हैं। अच्छा। और इसमें जो है पार्किंग लाइट जो है वो मैंने चेंज करा ली है, पार्किंग लाइट देख सकते हैं भैया की, ये मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखा है। और सीट कवर्स जो आप देख सकते हैं भैया, बताना चाहेंगे सीट कवर्स कितने के आए आपके? सीट कवर्स जो है वो 350 के अराउंड है, 350 रुपीज़ के दोनों फ्रंट और बैक वाले दोनों 350 के अराउंड है। और हमारा जो ये इंजन गार्ड है ये 550 का है और लेग गार्ड मेरा जो है वो पड़ा है 1200 रुपये। तो सारे आपको रेट्स भैया ने बता दिए हैं, कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है यहाँ पे। और ये जो आप सस्पेंशन देख रहे हैं ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं आपको, और पीछे वो एयर प्रेशर वाले सस्पेंशन मिलते हैं आपको जो कि एडजस्टेबल है मेरे ख्याल से ना, एडजस्टेबल है ना भैया? तो अच्छी गाड़ी है। और एक चीज़ है इस गाड़ी में, या तो आप इससे बहुत प्यार कर सकते हैं और या तो आप इसको बिल्कुल हेट ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके हेटर्स भी कम नहीं है। और लवर की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि तो मैं ही हूँ इसका, 4 बुलेट है मेरे पास। अरे मेरी फैमिली में 4 बुलेट्स हैं, एक जो है मेरी वो 1980s से पहले की ओल्ड बुलेट है, अभी भी वो जो है इस कंडीशन में है कि उसमें एक स्क्रैच भी नहीं। कलर मॉडिफाई कराता हूँ उसका, हर 5 साल पे उसका कलर मॉडिफाई कराता हूँ। तो देख सकते हैं भैया के शौक ऐसे ऐसे हैं, शौकीनी लोग ही लेते हैं आजकल बुलेट, क्योंकि ये नॉर्मल बोलते हैं लोग की माइलेज नहीं देती है भाई, कहीं 350 cc पे चलोगे तो माइलेज कहाँ देगी। तो ऑन हो चुकी गाड़ी, हाईवे जो है मेरे को 40 का माइलेज इसमें क्लेम करता है, 40 का माइलेज भैया ने माइलेज अपने आप बता दिया इसमें, मेरा काम भैया काम करवा रहे हैं। चलो
इसकी साउंड सुनते हैं। ये था साउंड। और अब की बुलेट पहले सुइयां आती थी, आप सुइयां का यूज बता सकते हैं हम यहाँ पे जो सुइयां आती थी? इसमें क्या है, इन्होंने मीटर चेंज करके बहुत अच्छा किया है। इसमें क्या है, एक फ्यूल मीटर दे दिया है। इसमें क्या है, जब हमारी गाड़ी रिजर्व में आती है, इसकी 3.5 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी है, जब गाड़ी रिजर्व में आती है तब ये लाल लाइट जल जाती है। ABS में क्या है, ABS का ये जो है ये अभी जलेगा, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट करके आप कुछ दूर तक मूव कर जाएंगे तो ये बंद हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं ये ABS खराब है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ दूर जाने के बाद ये जो है ABS की लाइट बंद हो जाती है। तो पहले जो सुइयां आती थी भैया यहाँ पे, वो एम्प मीटर होता था। हाँ, वो किस काम आता था? उसमें क्या है कि हम लोग का जो सुइयां आती थी वो मिडिल में होना चाहिए जी। वो एम्प मीटर इसलिए दिया जाता था कि एयर प्रेशर जो है, हमारी गाड़ी को जो प्रेशर चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए, वो प्रेशर दिखाता। अभी क्या है, वो प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो इंजन जो है वो थोड़ा सा एनहेंस हो गया, BS4 इंजन है, तो उसका कोई काम रह नहीं गया, तो उसकी जगह पे फ्यूल गॉज दिया गया है यहाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो AHO इंजन है इसमें, तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन भी आ जाता है इसी में, तो आप इसकी लाइट्स बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्विच मॉडिफिकेशन तो आते ही है ना भैया? लेकिन वो तो इलीगल होता है, वो जो है वो इलीगल हो जाता है, उसमें वायर्स काटनी पड़ती हैं, तो इस वजह से इसमें मैंने मॉडिफाई नहीं करा है। चलिए, और इसमें भैया ने बताया कि हॉर्न भी इन्हें डबल करा रखे हैं, तो स्टॉक गाड़ी में सिंगल हॉर्न आता है। भैया ने हॉर्न की आवाज़ सुना सकते हैं भैया? बुलेट वाली साउंड आ रही है एकदम, हट जाओ भैया, चुभने वाली। और यहाँ पे क्लासिक 350 की बैजिंग मिलती है। तो ये भैया क्या है, इसमें कोई स्पेस वगैरह है? इसके अंदर जो है हमारा एक साइड बैटरी है, एक साइड एयर फिल्टर है। इसके अंदर एक साइड पे जो है एयर फिल्टर है, बाकी टूल किट हमारा जो है इसी में। तो इसे मैंने पहले भी देखा हुआ है, लॉक में काफी प्रॉब्लम रहती है, रॉयल एनफील्ड वाले में बहुत प्रॉब्लम रहती है। अभी मैंने कीज भी चेंज कराया, तो इसको मैंने चेक नहीं किया, ये मेरे पास जो है इसकी ओरिजिनल कीज है, तो इससे ओपन होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एयर फिल्टर है, ये हमारा एयर फिल्टर है, और उस साइड पे जो है हमारा ये इधर बैटरी होती है, ये हमारा जो है टूल किट है। टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भैया? ये बैटरी मिलती है यहाँ पे आपको। तो बस सारी इन्फॉर्मेशन भैया दे रहे हैं यहाँ पे आपको, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे वैसे तो। तो भैया आपको आप बताओ, फील कैसा होता है चलाते हुए? बहुत यूनिक फील है, बाकी गाड़ियों से बहुत आराम महसूस होता है मेरे को। लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी अच्छा है, धीरे चलाओगे एवरेज भी मिलेगा, बहुत कंफर्ट महसूस होगा। क्रूज़र बाइक है, जैसे कि सबको पता है क्रूज़र बाइक है, तो उसमें फील बहुत अच्छा आता है। बाकी डुअल डिस्क वाला है, ब्रेकिंग सिस्टम भी एनहेंस हो गया इसका, डुअल डिस्क ABS चैनल पे है ये, और बहुत ही एनहेंस। अब जो है VS6 का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, जैसे ही आता है एक और बुलेट मेरे फैमिली में ऐड हो जाएगी। तो देख सकते हैं भैया के पास मतलब बुलेट का इतना प्यार हो रखा है लखनऊ में, तो आपका क्या कहना है भैया, आप बताओ पहले इस गाड़ी को देख के क्या लगता है? A1। चलो, भाई को तो A1 लगती, भाई ने एक ही शब्द में बता दिया। तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी इसकी राइड लेने जा रहे हैं भाई ने बोला अभी। चलिए पहले तो वही दिखाते हैं आपको। निकल चुके हम लोग टेस्ट ड्राइव पे। अच्छा, जो थंप होता भी है अभी भी हमारे उस पर लग रहा है, सीने पे ड्राइव पे। हाँ, इंजन में वो फील है अभी भी, बस एग्जॉस्ट जो है हमारा ये फिल्टर्स के साथ आ गए, बेंड पाइप में फिल्टर्स हैं, प्लस हमारे जो इसमें एग्जॉस्ट में भी फिल्टर्स हैं। अभी अगर आप एग्जॉस्ट इसका चेंज करा देंगे तो वही ओल्ड बुलेट वाली फीलिंग वापस से आनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो कन्वर्टर आते हैं किटल लाइटिंग वगैरह, उसमें ही दिक्कत हो रही है बस। हाँ, साउंड में दिक्कत हो रही है, लेकिन चला सकते हैं इतना काम तो हम लोग भी। हाँ, इस साउंड जरूरी नहीं है, साउंड सबके अच्छा भी लगता है। जैसे मेरे को ये जो स्टॉक साइलेंसर है, हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। आपको एक जो है प्रीमियम डिसेंट साउंड सुनाई देती है, कानों को चुभती नहीं है। बाकी किसी को लिए मतलब, मान लीजिए कोई ओल्ड लेडी या ओल्ड एज वाला कोई भी पर्सन हो, उसके लिए भी ये बेनिफिट, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बाकी चलान भी नहीं होगा, आप अपने पैसे बचा सकते हैं, फ्यूल के पैसे तो निकल ही जाएंगे। चलान अगर आपका कट रहा है, अगर आपने 5,000 का चलान कटा लिया, तो इससे अच्छा भाई आप फ्यूल डला लो इसके अंदर, मैं तो यही कहूँगा।
एक और बुलेट जा रही है हमारे सामने, तो बड़ी कमी है, बची नहीं है। रॉयल एनफील्ड के लवर्स और महाकाल के भी लवर्स जो हैं अभी भी हैं लखनऊ में। नंबर प्लेट पे महाकाल नहीं लिखा हुआ है, महादेव। बाकी इसको जो है धीरे चलाने में जो मज़ा है क्रूज करने में, वो स्पीड चलाने में उतना मज़ा नहीं है। बाकी एक बार मैं इसकी टॉप स्पीड दिखा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर टॉप स्पीड दिखानी होगी तो वो भी दिखा दूँगा। तो अगर टॉप स्पीड दिखानी होगी तो भाई बिल्कुल हाईवे पे चलेंगे, भाई ने अभी पहले ही बोल दिया है। तो अगर टॉप स्पीड आपको पूछनी हो तो भाई कमेंट ज़रूर कर दिएगा, बताइएगा हमें ऐसा चाहिए, तो हम भाई से बताएंगे, फिर देखते हैं। बाकी मैंने 110 इसको चलाया हुआ है, अभी नई गाड़ी है तो 110 ये जाती है, इतना 110 जाती है, तो ये भी देख सकते हैं आपको भाई ने बता दिया। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको? ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, जब से डुअल चैनल ABS आ गया है, डुअल डिस्क ब्रेक्स आ गए हैं, तब से इसके ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हो गई है, एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पास पुरानी वाली है, जिसमें सबको पता ही होगा कि लेफ़्ट साइड में हमारे जो नहीं लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे हमारे ब्रेक्स आते हैं और राइट साइड में हमारे गियर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बेस्ट है। और बाकी इससे पहले मैं स्टैंडर्ड का मूड बना रहा था, जो कि मेरी फेवरेट है, स्टैंडर्ड लेना था मुझे, लेकिन फिर क्लासिक मेरे को लगी कि इसमें एक क्लासिक लुक है, ओल्ड बुलेट वाली फीलिंग मेरे को चाहिए थी जो कि स्टैंडर्ड में मिल जाती है, बट उसमें सेल्फ नहीं है, इस वजह से मैंने क्लासिक चूज किया। बाकी लुक तो बहुत अच्छा है गाड़ी का, और काफ़ी रिस्पेक्ट भी होती है आजकल यहाँ पे, मतलब इंडिया में, तो अगर क्लासिक वगैरह आपके पास है तो आपको कोई कम नहीं समझ सकता है। बस बहुत ही प्रीमियम लुक है क्लासिक का, स्टैंडर्ड और क्लासिक दोनों ही अपने आप में एक अलग ही यूनिकनेस रखते हैं। बाकी क्या है, थंडरबर्ड में आजकल लुआ आ रहे हैं हमारे, अलॉय व्हील्स के साथ आ रहे हैं ट्यूबलेस टायर्स, लेकिन इसमें बस एक ही चीज़ रॉयल इनफील्ड को इम्प्रूव करनी है, जो कि ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय स्टॉक अलॉयज खुद ही देने चाहिए। स्टॉक अलॉयज के नाम पे एक ही उनके पास है, खाली 10,000 जो उसका चार्ज करते हैं, एक ही उनके पास है खाली अलॉय, एक ही ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन खाली एक ही है, उसमें वेराइटी नहीं है। स्टॉक अलॉय जो है वो 10,000 रुपये के अराउंड चार्ज करते हैं, तो रॉयल एनफील्ड को अलॉयस के लिए कुछ काम करना पड़ेगा अभी। बाकी जो है ट्यूबलेस टायर अगर होते तो और ही अच्छा, बहुत अच्छा होता फिर। जो भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है इसी चैनल पे दिख रहा है, तो देखते रहिए। और राइडिंग पोजीशन आपको कैसी लगती है इसकी? राइडिंग पोजीशन बहुत अच्छी है, चेस्ट जो मतलब जिम वाले बंदे हैं, हमारे जिम वाले भाई लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बाइक है, चेस्ट एकदम खुल के आती है, बाइसेप्स उनके दिखेंगे, अगर टी शर्ट पहन रखी है उन्होंने, बाइसेप्स हैं तो बाइसेप्स बहुत अच्छे दिखेंगे। ब्रॉड हैंडल है, तो हैंडल चेंज कराने का कोई मतलब मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ भाई लोग हैं जिनको और रॉड चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करते हैं स्टॉक हैंडल भी चेंज करा लेते हैं और नए हैंडल्स लगवा लेते हैं। वाइब्रेशंस इसमें इतने अभी नहीं है, लेकिन जब गाड़ी से 80-90 के आसपास जाती है स्पीड में, तब वाइब्रेशन जो है इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए वाइब्रेशन रॉड लगवा लेना, वो तो बहुत ही छोटी सी वो है इसकी नेगेटिव पॉइंट, बाकी ऐसा कुछ खास नेगेटिव है नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 40 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेट जो है मैं एवरेज इससे निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोस्टली हाईवे चलना होता है, तो मैं अपने ऑफिस से अप डाउन करता हूँ, तो 40 किलोमीटर्स का जो ये है एवरेज मुझे दे रही है। गाड़ी काफी कंफर्टेबल भी है, बहुत कंफर्टेबल है। बारी प्राइस की, तो प्राइस पड़ती है इसकी 1,85,000 यहाँ लखनऊ में ऑन रोड, तो 1,85,000 में आपको सब कुछ मतलब एक्सेसरीज वगैरह नॉर्मल लगवा ही लेंगे आप, ऐसा भैया बोलते हैं, तो कुछ भी बात हो इनको ही पकड़ना फिर। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए, पहले इस पर निकल जाने देते हैं। हाँ, तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर रॉयल एनफील्ड पसंद है आपको तो लाइक करके जाइएगा, अगर नहीं पसंद तब भी लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोनों भैया लोग की इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूंगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं, बुलेट्स की और फोटो मैंने डाली होंगी, और ये भैया फैशन में थोड़ा तो, और मेरी तो बाइक्स वगैरह में ही है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो विद दैट सेट चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
with my head again.